हेलो, क्या हालचाल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज का वीडियो जो होने वाला है वो ट्रैवल व्लॉग होगा, दिल्ली टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भी स्पेसिफिकली हम लोग जाने वाले हैं रॉक गार्डन, जो कि एक मैनमेड गार्डन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जर्नी। जर्नी में सबसे पहले हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे। चंडीगढ़ पहुँचने के बाद हमने कैब किया, कैब के बाद वी डायरेक्टली वेंट टू होटल। होटल के बाद सीधा फिर हम अर्ली मॉर्निंग तैयार होकर चंडीगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। चंडीगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए निकल तो गए थे, बट हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कुछ नहीं किया था। सो वी हैव सीन दस गोले वाला और उसको देख के बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो गई थी कि इसको खाना है। देन वी हैव डिसाइडेड, अपनी बचपन की मेमोरीज रिकॉल करते हुए हमने गोला खाया। देन वी टुक द टिकट्स। टिकट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा आप लोगों को प्री बुकिंग टिकट्स करने की ऑनलाइन। ऑनलाइन बुकिंग टिकट्स का फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ पर जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है। अगर आप ऑफलाइन जाकर हेल्प डेस्क से टिकट्स बुक करना चाहते हो, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 50 रुपीज़। वो प्रिंटिंग चार्ज वगैरह लेकर आपको हार्ड कॉपी टिकट्स की देंगे। अगर मैं बात करूँ बच्चों की, तो हाँ, यहाँ पर 3 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगता है। टिकट्स बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो 10 रुपये लगते हैं टिकट बच्चों के, बड़ों के लगते हैं 30 रुपये, विच इज़ आई थिंक अफोर्डेबल। इतना ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं है जिस हिसाब की यहाँ पर पिक्चर्स आती है और जिस हिसाब का यहाँ का मेंटेनेंस है। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेट्स बिगिन द जर्नी। द बेसिक एंट्री इज दिस। चंडीगढ़ की जो एलिवेशन है वो 330 मीटर है, और जो चंडीगढ़ है उसकी जो टिकट्स हैं वो टॉप 100 मोस्ट बुकड टिकट्स या टॉप मोस्ट 100 सेलिंग टिकट्स में से चंडीगढ़ का भी एक नाम आता है, विच इज़ अ प्राइड फॉर चंडीगढ़ वंस अगैन। अब बात कर लेते हैं इसकी एंट्रीज की। सो पहली बात तो ये, जो तो टिकटॉक चलती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ हम टिकटॉक चलते चलते आगे रॉक गार्डन का एक और नाम है जो है नेकचंस गार्डन। और इसकी जो एरिया की अगर हम बात करें तो ये 40 एकड़ में बना हुआ है। इसकी जो नींव है वो नेकचंद ने रखी थी, उन्हीं के नाम से फिर इसको नेकचंस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जो नथुपुरा में है। एलिवेशंस की बात हम लोग कर चुके हैं और ये सेक्टर 1 में है चंडीगढ़ में। और फुटफॉल की बात करें, मतलब अगर एक साल में यहाँ पर कितने लोग आते हैं, तो इट इज़ नियरली 1.5 मिलियन लोग जो है यहाँ पर हर साल आते हैं। अगेन विच इज़ गिविंग अ गुड रेवेन्यू टू स्टेट, चंडीगढ़, सॉरी नॉट स्टेट। थोड़ा बात कर लेते हैं नेकचंद के बारे में। हु इज़ मिस्टर नेकचंद? नेकचंद जी कौन थे और वो उनको कौन कौन से पोजीशंस मिली हुई थी? तो जो नेकचंद सैनी थे, उनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1924 और उनकी डेथ हुई थी 12 जुलाई 2015 में। उनको जो अवार्ड मिला था वो था पद्मश्री, और उनको पद्मश्री 1985 में मिला था। ये तो हमने इस पूरे गार्डन के बैकग्राउंड की बात कर ली। अब बात करते हैं जिस सेक्शन में अभी हम हैं अभी एट प्रेजेंट, उस एरिया की। सो ये है यहाँ का डॉल म्यूज़ियम, और जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ वेस्ट मैनेज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। जितने भी इसमें कपड़े यूज़ हुए हैं, जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, सारी वेस्ट मटीरियल से बनी हुई हैं। सो इस गार्डन का जो थीम है वो वेस्ट मैनेजमेंट ही है। एंड बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, और वेस्ट मैनेजमेंट को कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उससे क्या बनाया जा सकता है उसकी रिसर्च करते हैं, यहाँ पर आते हैं, कुछ आइडियाज़ लेते हैं। एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग हेयर। सो इस गार्डन की एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। सबसे पहले आप एंटर करते ही ऑब्जर्व करो कि बहुत ही अमेजिंग सा झरना, दैट इज़ मैन मेड वाटरफॉल। जस्ट आफ्टर दैट आप एक और छोटा सा झरना ऑब्जर्व करोगे, दैट इज़ ऑल्सो मैन मेड। और ये 40 एकड़ के अंदर ट्विस्टेड गार्डन है पूरा। इसकी एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। कहीं कहीं पर आप अलग चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, जैसे यहाँ पर फ़िश टैंक बना रखे हैं उन्होंने, बहुत सारी फ़िशेज उन्होंने रखी हुई हैं संभाल कर, कुछ इंडेंजर स्पीशीज में हैं वो भी रखी हुई हैं उन्होंने, प्रिजर्व कर रखी है उनको, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
यू वोंट बिलीव, इसके अंदर इन्होंने एसी लगा रखे थे और एवरीथिंग वाज प्रेटी फाइन। यहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, यहाँ पर फूड फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, एवरी पॉसिबल थिंग्स जो वहाँ पर होनी चाहिए थी वो सब वहाँ पर अवेलेबल थी। सो विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर दिस। बात करते हैं कैंटीन की। पर्सनली स्पीकिंग मेरे को कैंटीन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और इट वॉज़ ओवर कॉस्टेड, पता नहीं क्यों। सो मैंने तो प्रेफर नहीं किया वहाँ से खाना। एक प्लेट के बाद मैंने हाथ जोड़ लिए कि बस मेरा हो गया और नहीं खाना मुझे। रोज़ गार्डन को क्रिएट करना स्टार्ट किया गया था 1957 से, 1976 में जाके इसका काम कंप्लीट हुआ था। आप देख सकते हो एक एक पिलर, एक एक चीज़ जो है वो वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है, तो ऑब्वियसली उसको कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, फिर बिहाइंड दी उसको आइडिया में कन्वर्ट करके इतने अच्छे से क्राफ्ट करके लगाना, उसमें टाइम तो अच्छा खासा लगता ही है। सो आप देख सकते हो कि आपके सामने जो स्क्रीन रिकॉर्ड्स चल रहे हैं वो कितने ब्यूटीफुल हैं और इट डजेंट लुक लाइक कि यहाँ पर कुछ वेस्ट मैनेजमेंट जैसा है। अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से डेंटिक पेंटिंग कर दें सो इट विल लुक अमेजिंग, ट्रस्ट मी गाइस। आई थिंक जो इस गार्डन में आए और यहाँ फ़ोटो ना खिंचाए तो उसका ये गार्डन आना वेस्ट है। कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।